यहाँ पर पूरी गाड़ी पलटी, गाड़ी है ट्रक, अरे ट्रक पलटी हो गई है। आज पूरा मुंबई रेड अलर्ट में है। सो हेलो गाइस, मैं हूँ अभिलेश और हम हैं फोकस। तो आगे हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं निशान? पहले बैंक जाएंगे, फिर जाएंगे आप लोगों जो हम हमारी पूरी फैमिली जहाँ जाती है हर साल सातवें मुहर्रम को, तो छठे और सातवें को जाते हैं, तो फिर इस बार भी जा रहे हैं, तो बताते हैं आप लोगों। चलो बैठ गया, दिख रहा भी नहीं है। अरे दुबला हो गया हूँ ना इसके लिए। दिशान को दो हफ्ते नहीं हुए जिम करके और दिशान दुबला हो गया। तीन हफ्ते हो गए, तीन हफ्ते में एकदम वेट कम हो गया। दिशान का दिखाई नहीं दे रहा गाइस, मेरे को भी नहीं दिख रहा, बाजू में बैठता था, पीछे कैसे बैठ गया। मेरे को ना एक चीज समझ में नहीं आती, जब हम लोग कहीं बहुत इंपॉर्टेंट काम से निकलते हैं या कुछ चीज करने निकलते हैं जो हम लोग हमें बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, तो उस टाइम पे हमें ऐसा क्यों लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, क्या हुआ है, बहुत ज्यादा लेट क्यों हो रहा है? तो ये सब सिर्फ हमारा सोचना रहता है, क्योंकि चीजें तो अपने टाइम पे ही होती है हर चीज, बस अपना उस टाइम पे कुछ काम रहता है तो अपना सोचना ज्यादा बढ़ जाता है कि अरे इसी वजह से कुछ हो रहा रहेगा, उसी वजह से कुछ हो रहा रहेगा। तो गाइस ये सब सिर्फ सोचना रहता है, तो काम हर काम अपने टाइम पे ही होता है। ठीक है गाइस, हमारा क्यूट पांडा सो रहा है। आज दिशान नहीं सोया, क्या हुआ? इतनी ट्रैफिक है ना गाइस, बहुत ज्यादा हम लोगों को ना ट्रैफिक मिली है गाइस, लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है हम लोग, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तू भी एक नींद मार ले, पहुंच जाएंगे जब तक। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बैंक, पूरा बैंक खरीदने, तो चलो चलते अंदर। हम लोग बैंक पहुंच गए हैं और पूरा बैंक खाली है, बहुत ज्यादा लेट हो गया हम लोग। तो भाई जैसा हम लोग तारों के नीचे से जाके बैंक में जाते हैं और बैंक से निकलते भी है, तो हम लोग तारों के नीचे से ही निकलते हैं। चलो अभी हम लोग का यहाँ का काम हो गया, अभी कहाँ जाने गए? अभी दरगाह। चलो फिर निकलेंगे। मुंबई का हाल बेहाल हो गया है और आज पूरा मुंबई रेड अलर्ट में है, बहुत जगह पानी भर गया है। सो गाइस ये सूचना नहीं समाप्त हुई। मम्मी भी बोर हो गए एकदम बैठे बैठे। मम्मी का भी हाल बेहाल हो गया है, मम्मी इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि हम लोग दो चक्कर लोनावला के मार लिए रहते अभी तक, और कितना टाइम लगता है। सो गाइस इमेजिन का ओह सॉरी, खत्म हो गया हमारे मैजिक का। तो गाइस यहाँ पर पूरी गाड़ी पलटी, गाड़ी है ट्रक, अरे ट्रक पलटी हो गई है, बाप रे बाप। ड्राइव सेफ, स्लो चलाओ, अपना भी ख्याल रखो, घर वालों का भी ख्याल रखो। बहुत लोग बहुत कुछ करे, ये तो अभी बारिश की वजह से हो गया रहेगा, लेकिन आप लोग संभाल के चलाओ जो भी ड्राइव करता है गाड़ी। हम लोग फाइनली दरगाह के बाहर पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक में और इतना कुछ देखने के बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। तो चलो अंदर दिखाते हैं आप लोगों को। वैसे तो हम लोग के बहुत सारे फैमिली मेंबर्स भी आते हैं, तो सबके सामने कैमरा चालू नहीं कर सकता मैं। चलो फिर भी चलते अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की मगरिब की नमाज हो गई, हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे, मम्मी लोग सब बैठ गए हैं अपनी अपनी जगह पे, तो अभी सब मतलब घर वाले लोग का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सब मिले। बहुत दिन बाद सबसे खानदान वाला कोई दिख रहा नहीं। हाँ सब मतलब ऊपर इन लोग ने पैक नहीं किए ना इस बार, तो इस वजह से यहाँ पे ज्यादा पूरा स्पेस ना खुला खुला लग रहा है, क्योंकि बारिश सीधा उन लोग के ऊपर गिरेगी है देखो सब। तो गाइस बहुत दिन बाद ना आप लोगों को राशिद से मिला था, और राशिद ना छोटा शाहरुख खान बन गया है थोड़ा ऐसा। इस साइड मुड़, इस साइड मुड़, ये देखो पठान वाला लुक लेके रखा है राशिद। सब नियाज खाते हैं, नियाज बढ़ती है, हर साल ऐसा होता है गाइस। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे, पहले लड़कियों को खाना खिलाते थे और ऊपर लड़के लोग को, तो ऊपर का तो चालू है क्योंकि ऊपर का ना पैक है, इस वजह से ऊपर का चालू है और नीचे का भी बंद है, और लड़की लोग का दूसरी जगह उन लोग ने चालू किए है। बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है और ये देखो सब लोग यहाँ पे ऐसा जमा होते है। मम्मी पूरे भीग गए है, ये नाज मम्मी भी है साथ में ले, और ये देखो शवाकी और हुदा। जिशान के डैडी फुल कवर के साथ आए, ये देखो फुल तैयारी के साथ। भैया परदीन मामू है, परदीन मामू कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत दिनों बाद आए, बड़ा पा ब्लॉग। हाँ और क्या बोलूँगा,
दरगाह में आए सांतारी उर्स में है हम लोग पेदुशा बाबा की बीटी के पास ही है दरगाह। हाँ आज लाल दिन है। अच्छा आपको समझ गए। जूस बटता है यहाँ दरगाह के बाहर, देखो सब कैसा लाइन लगा के रखे रहते हैं न्यास पीने के लिए। जा जिशान तू नहीं लगा रहा लाइन? हाँ लगा लिया। लोग दरगाह से निकल गए हैं जियारत करके, और हम लोग इस वजह से निकले क्योंकि भीड़ और ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। तो हम लोग सोचे कि हम लोग निकल जाते हैं, हम लोग यहाँ से जो सामान लेना वो लेके मम्मी लोग को और मामू लोग को सबको उठा के फिर निकलेंगे। प्रॉफिट मार्केट से जो जो हम लोग को सामान लेने का था वो ले लिए है। जिशान ने भी वहाँ पे सब सामान रखा हुआ है, और अभी परफ्यूम देखने खड़ा है कार में मारने के लिए। यू नो गाइस कार में खुशबू आनी चाहिए, तो वो कार के लिए परफ्यूम देख रहा है। चलो अब इतने बड़े झोले में क्या लेके चल रहा है? घर के सामान और परफ्यूम है। परफ्यूम के लिए, कार के लिए परफ्यूम लिए गाइस, समझ रहे हो आप लोग? देख रहे हो गाड़ी हम लोग को दिख रही नहीं यहाँ से, अब पता नहीं गाड़ी तो नहीं होगी। हाँ दिखी 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 है, कार है। शुक्र शुक्र। चलो ये लोग फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए मेरे को ही अंदर आना पड़ा। वो भीड़ देखो कितनी हो गई है यहाँ पे। देखो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। चलो अभी निकलेंगे अपुन, ठीक है? माला इन लोग सब बहुत सारे हम लोग के रिश्तेदार आए थे, लेकिन हम लोग को जल्दी निकल रहे क्योंकि भीड़ और बढ़ते जा रही है। हाँ ले लिया। हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, मामू और मम्मी जिशान हम लोग सब बैठे, और हाइफा और दापिया कॉल आया था। क्या भाई और बहन? पीछे। अच्छा हाँ हाँ पीछे दोनों भाई बहन बैठे हुए एकदम आराम से। और हाँ हाइफा का कॉल, हाइफा और दापिया का कॉल आया था, बहुत अर्जेंट घर पे बुला रहे हैं। देखो क्या बोलते हैं हम लोग को आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली, और हम लोग को लग गई भूख, इसलिए हम लोग आए हैं कुछ डाइट का खाने के लिए। सैलेड तो बस उसी का वेट कर रहे हैं, वो लेकर फिर निकले घर पे खाकर। ये रहा मेरे डाइट का, ये देखो ये रहा जिशान के डाइट का। जिशान सूखा सूखा चिकन खा रहे बस। ये मैं थोड़ा गिल्ला करके खाता हूँ गाइस, क्योंकि यू नो क्यों हम लोग को इतना जल्दी जल्दी में बुलाया तुम लोग ने? मम्मी की याद आ रही थी। अभी बोली है ऐसा कि भाई तेरी भी याद आ रही थी। अब क्या मतलब बोल के मेरे बोलने के बाद? हाँ मुझसे जा भी मेरे को याद करता है सिर्फ। आप आप लोग वीडियो बनाने की चक्कर में मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, कि एक बंदा ना खड़ा हुआ रहता है वीडियो बनाने के लिए वाटरफॉल के पास, और वहां पर से गिर जाते हैं, और उसके फैमिली वाले वो लोग वीडियो देखे कैसा रहेंगे, वो गिर गया और उसकी बॉडी मिली या नहीं मिली वो सब नहीं पता। लेकिन आप लोग एक थोड़ी सी लाइक्स के लिए इतना मत करो कि आपकी लाइफ खतरे में आ जाए, और आपके घर वाले कैसा रहेंगे तुम्हारे बगैर, तो ये सब सोचो। और तभी घर ज़्यादा कोशिश करो घर में वीडियो बना, ज़्यादा बाहर इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाता है अपने टाइम पे, ठीक है? इतना टेंशन मत लिया करो वीडियो वीडियो का। तो गाइस ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ। ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं हमारे इसलिए लोग हमें कहते हैं फोकट्स। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।